हेलो फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसका मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, अपले सरकार डॉट महा ऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन। ये साइट पे जाके आपको एक आईडी क्रिएट करना है, अगर आपका आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन, उसका भी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं आपको हाउ टू अप्लाई इनकम सर्टिफिकेट, मैं मेरे आईडी से लॉग इन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमें क्लिक करना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें हम रेवेन्यू सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट। प्रोसेस यहाँ इनकम सर्टिफिकेट। अब ये पेज पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है, इसमें से कोई भी एक, एक एड्रेस प्रूफ देना है, इसमें से कोई भी एक, और अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए इनकम सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एज प्रूफ देना है इसमें से एक, और सेल्फ डिक्लेरेशन, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। और अप्लाई करने के बाद ये टाइम लिमिट है, विद इन 15 डेज में आपको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका मैं स्टेटस आपको बता दूँ। यहाँ कंटिन्यू करना है, ये फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ कुछ मेरा नाम ऑलरेडी दिख रहा है, जो मैंने अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो डिटेल्स दिए उसमें से ये ऑटोमेटिक फेच करता है। तो सबसे पहले यहाँ इनकम सर्टिफिकेट आपको कितने साल के लिए चाहिए, 1 और 3 साल का ऑप्शन है। तो और ये सब जितना भी मैंडेटरी स्टार है वो आपको फिल करना है। यहाँ आपको एड्रेस फिल करना है, पिन कोड, पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन मींस जिसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए उनके डिटेल्स, अगर आपके बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए तो उनका यहाँ नाम आएगा। उनका नाम लिखना है और रीजन लिखना है, रीजन एजुकेशन है तो एजुकेशन लिखना है। ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब लिखना है। आप यह इंग्लिश में टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक वो मराठी में कन्वर्ट होगा। ये मुझे ऑप्शनल लग रहा है तो मैं अभी इसे फील नहीं करता। और नीचे आपको यह इनकम सोर्स उसकी डिटेल देनी है। अगर मैंने ऊपर जॉब लिखा है तो आपको यह लास्ट 3 ईयर की इनकम आपको यह दिखानी है, और डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यह देनी है। और वो डिटेल्स भरने के बाद आपको उसका डॉक्यूमेंट देना है। तो इसमें से एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, आप सैलरी स्लिप दे सकते हो या नगर सेवक से आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। ये सारे ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। और लास्ट में आई एक्सेप्ट करके आपको यह क्लिक करना है, ये डिटेल सेव हो जाएगी। और जैसे यहाँ क्लिक करोगे आपको ये मैसेज आएगा कि ये डिटेल्स एक बार सेव होने के बाद आप उसे फिर से चेंज नहीं कर सकते, तो एक बार फिर से आपका फॉर्म चेक करना और ओके करना। ये मेरा सक्सेसफुली सेव हो गया और ये मुझे एप्लीकेशन डिटेल्स मिले, एप्लीकेशन आईडी मिला मुझे। सेकेंड स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अभी आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने हैं। ये हमने देखा था जो मेडिकल के लिए है, ये मेडिकल मेडिकल कंसेशन चाहिए तो बाकी आपको एज प्रूफ देना है इसमें से एक। अभी आप अगर स्कूल,
लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हो। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो डिजी लॉकर से डायरेक्ट फेच करेगा या आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आपको ये फॉर्मेट में ही अपलोड करना है और उसका साइज मिनिमम इतना ही होना चाहिए। और इनकम प्रूफ में आपको ये पांच में से एक आपको अपलोड करना है। मैं सैलराइड हूँ तो मैं फॉर्म 16 मुझे मिलता है तो मैं फॉर्म 16 अपलोड करूँगा। यहाँ एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ये सब डिटेल्स भर के यहाँ एक फोटो आपको लगाना है और ये पूरा भर के वापस आपको अपलोड करना है। ये मराठी में भी है और इंग्लिश में भी है फॉर्मेट। और सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपको यहाँ अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। आपका कोई फाइल ये साइज से 75 या 100 KB से ज़्यादा है तो आप यहाँ से भी उसे दो फाइल बना के यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। मैंने अपलोड किए मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये सब डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए। अभी लास्ट स्टेप है, मुझे पेमेंट करना है और ये थर्ड स्टेप पे आया मैं, पेमेंट करना है। इसका फीस बहुत ही कम फीस है, 33 रुपीज 60 पैसे आपको पे करना है इनकम सर्टिफिकेट के लिए। और ये आपका एप्लीकेशन आईडी है, यहाँ से आप कंफर्म करके, या इतने सारे ऑप्शंस है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। इस सेक्शन में आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। आप होम पे क्लिक करोगे तो आपका ये एप्लीकेशन आईडी आएगा, ये सर्विस नेम है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन किया है। और मैक्सिमम 15 डेज में मिल ही जाता है। अगर उसका कुछ रिजेक्शन है तो आपको यहाँ रिजेक्शन दिखेगा क्या है, या तो इधर जब अप्रूव्ड होता है तो एक डाउनलोड करके यही ऑप्शन आता है और आपको यही से ही आपको डाउनलोड करना है इनकम सर्टिफिकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरा सोशल हेल्प चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।